हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली आपका रेसबेरी पाई के थ्रू कैसे एक पुश बटन इंटरफेस करेंगे, कैसे एक इनपुट डिवाइस इंटरफेस करेंगे उसके ऊपर है। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे डिजिटल आउटपुट को कैसे इंटरफेस करना होता है, लाइक रेसबेरी पाई में LED कैसे कनेक्ट करते हैं। बट टुडेज वीडियो एक पुश बटन है, ये मेरा पुश बटन, ठीक है। आप कोई भी पुश बटन आप यूज कर सकते हो, ये मेरा पुश बटन है, तो उसको कैसे रेसबेरी पाई के थ्रू इंटरफेस करेंगे और जब बटन को पुश करेंगे तो LED को कैसे ऑन ऑफ करना होगा। पिछले वीडियो में भी बताया था कीपैड का जो बटन होता है, जो की बटन होता है, उसके थ्रू कैसे ऑन ऑफ करना होता है। लेकिन ये वीडियो में नॉर्मल पुश बटन जो नॉर्मली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में मिल जाएगा, उसको लेके कैसे रेसबेरी पाई में इंटरफेस करके बहुत सारा काम कर सकते हो। तो इसका फायदा क्या है, आप जितने भी सारे डिजिटल सेंसर होते हैं, जैसे IR सेंसर हो गया, नहीं तो आपका टच स्क्रीन सेंसर हो गया, वो सारा का सारा डिजिटल में काम करते हैं, वो सेम फंक्शनलिटी ये भी होल्ड करता है। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा देन नॉर्मली आपका कीपैड का, नहीं तो जो हमारा जो ये कीपैड में बटन प्रेस करते हो ना, पासवर्ड टाइप करो, डोर अनलॉक होता है, तो सेम कॉन्सेप्ट में काम कर सकता है। तो लेट्स बिगिन। तो पहले हम लोग जाएंगे VS कोड में, लेकिन उससे पहले मैं रेसबेरी पाई को पावर सप्लाई में कनेक्ट कर लूंगा। अभी रेसबेरी पाई को आप देख सकते हो पावर सप्लाई में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। पासवर्ड पूछा, पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आप लोग कैसे VS कोड में रेसबेरी पाई को कनेक्ट करना है ये जानना है, देन मेरा जो वीडियो है कनेक्ट VS कोड टू रेसबेरी पाई, वो आप देख सकते हो। ठीक है, पिछले वीडियो में ये तीन प्रोग्राम हम लोग किए थे, LED 1, LED 2, LED 3 का। आज हम और एक फोल्डर बनाएंगे पाई प्रोग्राम के अंदर, उसका नाम दे देंगे Day 2। एक्सक्यूज मी, पहले CD डेस्कटॉप को जाएंगे, देन उसके अंदर पाई प्रोग्राम है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम है Day 2। ठीक है, अगर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा देन यहाँ पे Day 2 क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे Day 2 क्रिएट हो गया, यहाँ पे मैं फाइल बना सकता हूँ। उससे पहले ये वाला सैम्पल प्रोग्राम LED 1 को रखते हैं, अभी Switch 1 बनाएंगे, स्विच को बनाएंगे तो Switch 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसके अंदर एक फाइल बना लिया मैंने, सेव करूंगा किसके नाम पे, switch1.py। ये मेरा फास्ट प्रोग्राम होगा, इसको Day 2 में मूव कर लेता हूं। हाँ ठीक है, और ये मेरा LED 1, LED 2, LED 3 प्रोग्राम था switch1। यहाँ पे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम रेसबेरी पाई को उसका हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या है, इंपोर्ट rpy डॉट gpio, सॉरी आज gpio, ठीक है, पहले इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, दो चीज था, एक सेट मोड था और एक सेटअप था। यहाँ पे देख सकते हो सेट मोड क्या है कि BCM कौन सा बोर्ड में कनेक्ट हुआ है उसको देखने के लिए सेट बोर्ड सेट मोड, और PIN को डिफाइन करने के लिए सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा,
ठीक है, और मैं बीसीएम के थ्रू करूं और कर रहा हूं या बोर्ड के थ्रू, आप देख सकते हो बोर्ड के थ्रू कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा जीपीआईओ डॉट बोर्ड, देन मुझे क्या चाहिए, जो पिन है मेरा, उस बटन है उसको मैं जब रेसबेरी पाई में कनेक्ट करूंगा तो उसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, राइट, कौन सा पिन में कनेक्ट किया। तो जीपीआईओ डॉट सेटअप, जैसे एलईडी को हम लोग किए थे सेटअप, यहाँ पे देख सकते हो एलईडी फास्ट प्रोग्राम को सेटअप क्या किए थे, पिन नंबर 3 को जीपीआईओ आउटपुट में डिक्लेयर किए थे, ठीक है। तो सपोज मैं पिन नंबर 5 ले रहा हूँ, 5 को जीपीआईओ डॉट इन, मतलब ये इनपुट में डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो पहले हम लोग जाते हैं ब्राउजर, आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे होता है। अगर आप गूगल में जाके पुश बटन रेसबेरी पाई सर्च करोगे देन बहुत सारा एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एक एग्जाम्पल जाना है, जीपीआईओ इन देन पिन नंबर दिया हुआ है, वो पिन नंबर 10 को कनेक्ट किया है, यहां पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पिन में ये लगाया। और एक चीज, जब आप बटन को कनेक्ट करोगे, आपका स्विच को कनेक्ट करोगे रेसबेरी पाई में, कनेक्शन दो टाइप का होता है। देखो अगर मैं डायरेक्ट स्विच को कनेक्ट कर लूंगा, मतलब 5 वोल्ट लगा के यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा, तो जब बटन को प्रेस करूंगा तो बटन क्या है, दो कांटेक्ट के बीच एक वाल्व है, उसको टच करूंगा तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, राइट। तो रेसबेरी पाई खराब होने के लिए चांसेस है, इसलिए रजिस्टर हम लोग लगाते हैं। रजिस्टर लगाने का दो टाइप है, एक है पुल अप और एक पुल डाउन है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो गूगल में पुल अप क्या है, पुल अप रजिस्टर, ठीक है। कोई भी एक ले सकते हो, ये वाला, ठीक है। ये मेरा सप्लाई है, वीसीसी है, देन एक रजिस्टर कनेक्ट किया पुल अप रजिस्टर, मतलब सप्लाई में रजिस्टर कनेक्ट करूंगा और ग्राउंड के साइड में मैं स्विच कनेक्ट करूंगा, और दोनों का जो मेन टर्मिनल है उसके थ्रू मैं एक टर्मिनल, मतलब उसके थ्रू मैं कंट्रोलर को कनेक्ट करूंगा। तो क्या होगा, जब ये बटन प्रेस होगा तो सारा का सारा सप्लाई क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा, रजिस्टर है तो कुछ ब्रेक नहीं करेगा ज्यादा, अगर नहीं है देन 5 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई जाएगा, मतलब स्विच जब ओपन रहेगा देन यहाँ पे 1 उसको मिलेगा, जब ये शॉर्ट हो जाएगा देन इसको 0 मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे देखो, 5 वोल्ट में स्विच कनेक्ट किया, यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, 5 वोल्ट में रजिस्टर कनेक्ट है लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट में स्विच कनेक्ट है, और ग्राउंड के साइज में रजिस्टर कनेक्ट है, यहाँ पे देखो ग्राउंड के साइज में रजिस्टर कनेक्टेड है, और दोनों के बीच में एक रजिस्टर लगा के वो इनपुट ले रहा है, मतलब माइक्रोकंट्रोलर को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली उसको 0 मिलेगा, देखो इनिशियली उसको 0 जाएगा, जब ये बटन प्रेस होगा और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा देन इसको 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक पुल अप और पुल डाउन कॉन्सेप्ट का मेथड है, लेकिन हमारा जो रेसबेरी पाई है उसके अंदर जितने भी सारे माइक्रोकंट्रोलर होते हैं वो आइदर पुल अप या पुल डाउन में काम करते हैं। तो रेसबेरी पाई में अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है, मतलब एक्सटर्नल, यहाँ पे जैसे एक्सटर्नल रजिस्टर कनेक्ट किया वो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ये कमांड लिख सकते हो पुल अप पुल डाउन जीपीआईओ पीयूडी डाउन, क्योंकि ये जो कनेक्शन किया है वो पुल डाउन में किया है, हम लोग क्या करेंगे पुल अप में करेंगे। तो इसको सिंपल मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कॉमा करके पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे अगर मैं ग्राउंड के साइड में मैं रजिस्टर कनेक्ट करता तो डाउन लिखता मैं, लेकिन ग्राउंड के साइड में रजिस्टर कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं पुल अप लिखूंगा, ठीक है। तो अभी उसको सेव कर लिया, अभी ये समझ में आया, यहाँ पे पिन नंबर दिया, उसको डिफाइन किया वो इनपुट पिन है, और मेरे पास एक्सटर्नल रजिस्टर नहीं है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नॉर्मली जीपीआईओ पीयूडी ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक्सटर्नल रजिस्टर है देन ये लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन मैं क्या करूंगा, एक इनफाइनाइट लूप चलाऊंगा व्हाइल वन,
जो क्या करेगा, रिपीटेडली बटन पुश हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करेगा। तो एक वेरिएबल ले लूंगा x इज इक्वल टू GPIO। जैसे हम लोग आउटपुट देने के लिए क्या करते थे, मतलब एलईडी को ऑन करने के लिए क्या करते थे, GPIO डॉट आउटपुट लिखते थे। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम इनपुट लेंगे तो इनपुट लिखना पड़ेगा, GPIO डॉट इनपुट। और कौन सा पिन से हम लोग इनपुट लेंगे, पिन नंबर 5 से, ठीक है। और अगर ये आउटपुट होता तब क्या लिखते, GPIO डॉट आउटपुट देन पिन नंबर देन उसका स्टेटस, स्टेटस मतलब आइदर हाई है या लो है, ठीक है। देन उसको मैं प्रिंट कर लूंगा, प्रिंट एक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, उसको पहले रन करते हैं। रन करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। तो लेट्स गो टू कैमरा एंड सी द कनेक्शन। ये दो पिन है, एक जाएगा मेरा ग्राउंड को और दूसरा जाएगा पिन नंबर 5 को। एक 5 में कनेक्ट किया, दूसरा वाला ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया, ठीक है। 5 और 6, 6 मेरा ग्राउंड है। तो अभी प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, पाइथन 3 switch1.py। अभी क्या आ रहा है आप देख सकते हो, जो बटन प्रेस नहीं है तो 1 आ रहा है, जब बटन को प्रेस करूंगा देन 0। अभी प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज किया 1, ठीक है। प्रेस किया 0, रिलीज किया 1, प्रेस किया 0, ठीक है। बहुत सिंपल है। अभी उसको थोड़ा चेंजेस करूंगा, क्या करूंगा, जब बटन प्रेस होगा आई वॉन्ट टू राइट बटन इज प्रेस, यहाँ पे 1 और 0 की जगह बटन इज प्रेस और बटन इज रिलीज लिखेगा। तो क्या करूंगा मैं, इफ इफ एक्स इक्वल टू 0, 0 में क्या होगा, बटन प्रेस होगा। क्यों, अगर यहाँ पे आप जाओगे देन देखोगे यहाँ पे क्या था, पहले उसको 5 वोल्ट मिलता था, यहाँ पे ओपन सर्किट है, देन सारे के सारे सप्लाई यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे उसको 1 मिलेगा। जब ये शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे कुछ सप्लाई नहीं आएगा, देन यहाँ पे क्या आएगा, 0 है कि नहीं। तो सेम चीज यहाँ पे होगा, तो जब बटन प्रेस होगा वो 0 आएगा, जब बटन प्रेस नहीं है देन 1 आएगा। देन यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रिंट बटन प्रेस्ड, ठीक है। देन और एक कंडीशन लिख सकता हूँ, इफ एक्स इक्वल इक्वल टू 1, लेकिन मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, एल्स प्रिंट ठीक है। उसको सेव किया, इसको एग्जिट किया, देन रन किया। अभी क्या है, बटन रिलीज आ रहा है। और एक चीज करता हूँ ना, ये एक्स को हटा देता हूँ, ठीक है। तो कट किया, सब किया और एक बार रन किया। अभी क्या है, बटन रिलीज। जब मैं बटन को प्रेस करूंगा तो क्या हो रहा है, बटन प्रेस, रिलीज करूंगा तो रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो ये वाला बटन आप मार्केट से खरीद सकते हो, नहीं तो छोटा वाला बटन भी आता है पुश बटन, उसको भी यूज कर सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ जो बटन प्रेस होगा वो एक एलईडी को ऑन करेगा, एक्सटर्नल एलईडी को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिफाइन करना पड़ेगा एलईडी को, पिन नंबर 3 देन GPIO डॉट, क्योंकि वो आउटपुट है एलईडी, और यहां पे GPIO डॉट आउटपुट पिन नंबर 3,1। तो देखो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, GPIO इनपुट जो है वो इनपुट लेगा, आउटपुट जो है वो आउटपुट लेगा। इनपुट ओनली कौन सा पिन से लेगा, तो इनपुट का वैल्यू क्या आएगा, इधर 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा डिजिटल में। आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में कौन सा पर्टिकुलर पिन को देना है मुझे आउटपुट, और उसको ऑन करना है या ऑफ करना है। तो 1 लिखूंगा तो ऑन होगा, नहीं तो ऑफ होगा। यानी इसको कॉपी कर लिया,
यहाँ पे पेस्ट कर लिया और ये वाला को जीरो कर लिया। ठीक है, अभी प्रोग्राम को स्टॉप कर लेता हूँ। रन करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन करना पड़ेगा। तो ये मेरा एलईडी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो मुझे एक चाहिए क्या, रजिस्टर जो ग्राउंड में कनेक्ट करूँगा। ठीक है, मेरा पिन नंबर 39 है ग्राउंड। तो ये ग्राउंड से लेके यहाँ पे कनेक्ट किया ग्राउंड, और पिन नंबर 5 को कनेक्ट करूँगा, सॉरी पिन नंबर 3 को कनेक्ट करूँगा एलईडी में। पिन नंबर 3 को कनेक्ट किया यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन भी हो गया। ये मेरा एलईडी का पॉजिटिव ये साइड रेड वाला वायर पिन नंबर 3 को गया यहाँ पे, देख सकते हो। और रजिस्टर का जो पिन है वो ग्राउंड को गया, ये मेरा 39 नंबर पिन है। आप उसका पिन आउट भी चेक कर सकते हो। अभी क्या करेंगे, रन करेंगे, लेट्स रन। अभी बटन रिलीज है, एलईडी मेरा क्या है आप देख सकते हो, एलईडी मेरा ऑफ है। एलईडी मेरा ऑफ है, राइट। अभी बटन को प्रेस करूंगा, ये मेरा बटन है, बटन को प्रेस किया, यहाँ पे देखो प्रेस लिख रहा है और एलईडी ऑन हो रहा है। रिलीज कर दूंगा तो एलईडी ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक स्विच का कनेक्शन है, बेसिक स्विच कैसे काम करता है उसके रिलेटेड है। आप लोगों के लिए एक टास्क है, अगर आप लोग ये बटन और एलईडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, देन एक सिंपल टास्क है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बटन को प्रेस कर रहा हूँ, एलईडी ऑन हो रहा है, रिलीज कर रहा हूँ, एलईडी ऑफ हो रहा है। अगर आपके पास टाइम है देन ये ट्राई कर सकते हो, एक बार बटन को प्रेस किया, प्रेस करके रिलीज कर दिया, देन एक काउंटर जाएगा, 1 होगा और एलईडी को ऑन करके रखेगा। जब दूसरी बार प्रेस करूंगा एलईडी को ऑफ करेगा। तो एक बार में ऑन, एक बार पे ऑफ। तो अगर ये वाला प्रोग्राम आप कर सकते हो, देन हम लोगों का जितने भी सारे स्विच बोर्ड है घर में, उसको हम रिप्लेस करके ये वाला स्विच लगा सकते हैं, ये छोटा छोटा स्विच लगा सकते हैं। तो एक बार प्रेस करेंगे पर्टिकुलर स्विच तो लाइट ऑन होगा, और एक बार प्रेस करेंगे तो लाइट ऑफ होगा। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया होगा देन आप ये ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है देन आप कमेंट में डाल सकते हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज लाइक द वीडियो, और आगे भी वीडियो भी आएगा रिलेटेड टू हमारा ESP32 कैमरा कैसे काम करते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह सब कुछ ESP32 का सीरीज में आएगा। आर्डिनो का सीरीज जो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बेसिक वगैरह, उसको भी आप देख के आर्डिनो का कंसेप्ट भी सीख सकते हो। और नोड एमसीयू का सीरीज भी वन लाइक अल्टरनेट डे में आएगा, और रास्पबेरी पाई का डेली आएगा। अगर कुछ डाउट है देन यू कैन कमेंट बिलो, सो आई विल सॉल्व इट। तो थैंक यू गाइस।